क्या हो अगर आप एक गाड़ी में घुसो और उसमें लॉक हो जाओ और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यो गाइस, मेरा नाम चिंदी चोर नहीं है। तो 2019 की मैंने एक अर्जेंटीना में बनी हुई मूवी देखी, जिसे देखने के बाद आप चोरी करने के बारे में हजार बार सोचोगे, स्पेशली अगर वो चोरी किसी गाड़ी के रिलेटेड हुई। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 4X4 मूवी के बारे में, जो की एक थ्रिलर क्राइम फिल्म है और इतनी ज्यादा अच्छी है की रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग 100% है। फोर एक्स फोर मूवी की स्टोरी बतानी हो तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसमें एक चोर 4X4 SUV के अंदर सामान चुराने के लिए उसमें घुसता है। जिस तरीके से वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है वो चीज काफी ज्यादा यूनिक है। मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी टेनिस बॉल की मदद से कोई गाड़ी का दरवाजा खोल रहा हो। और मेरे को जानना है कि क्या ये चीज सच में हो सकती है, क्या हम एक टेनिस के बॉल से दरवाजा खोल सकते हैं किसी भी गाड़ी का? अगर हाँ तो कुछ दिनों में मैं सलाखों के पीछे वीडियो बनाता हूँ, देखूँ तो वो चीज देख के शौक मत हो जाना। फिर गाड़ी में घुसने के बाद जो जो चीज उसे कीमती लगती है वो चीज वो उठानी चालू कर देता है और पीछे की सीट पे मूतने के बाद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर चारों दरवाजे हो जाते हैं लॉक। फिर दरवाजा लॉक होने के बाद वो ऑब्वियसली खिड़की जो है उसे तोड़ने की कोशिश करता है। पहले वो उस पर लात मारता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रॉड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तब भी खिड़की जो है वो टूटती नहीं है। अब बंदे के पास एक बंदूक होती है तो भाई साहब चला देते हैं गोली खिड़की का कांच तोड़ने के लिए। अब गोली जो है वो कांच में से रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसके पाँव पे लग जाती है, क्योंकि विंडो के जो कांच होते हैं ना वो बुलेट प्रूफ होते हैं। इवन जो गाड़ी होती है ना वो साउंड प्रूफ होती है, यानी अंदर की आवाज बाहर तक नहीं जा सकती। और गाड़ी के कांच टेंटेड होते हैं, यानी बाहर से भी उसे कोई नहीं देख सकता। अब एक बंदा जिसके पाँव में गोली लगी हुई है, फोन की बैटरी डेड है, ना उसके पास कुछ खाने के लिए है ना पीने के लिए, एक गाड़ी के अंदर बंद है जिसमें से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब वो बंदा उस सिचुएशन में कैसे सरवाइव कर पाएगा और कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा, वही मूवी का बेसिक सा प्लॉट है। एंड तक वो गाड़ी में से निकल पाता है या नहीं, या फिर वो गाड़ी में ही उसकी मौत हो जाती है, वो जानने के लिए तो मूवी देखो। अब मूवी का जो प्लॉट है वो काफी ही सिंपल सर्वाइविंग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, यानी जो दिखाने का तरीका है, जिस तरीके से ड्रामेटिक तरीके से चीजें दिखाई गई है, वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। मतलब जब आप फिल्म देखोगे कि वो चोर जिंदा रहने के लिए कैसे स्ट्रगल कर रहा है गाड़ी के अंदर, जो जो वो चीजें कर रहा है सरवाइव करने के लिए, वो चीज आपको काफी ज्यादा हिट करके जाएगी कि आप सोचोगे साला एक गाड़ी को चुराने के लिए ऐसी सजा तो किसे भी नहीं मिलनी चाहिए। और यही मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि स्क्रीन प्ले आपको ये महसूस करवा देता है कि आप वो बंदे के साथ गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और वो जो स्ट्रगल कर रहा है वो आप फील कर पा रहे हो, और उसमें भी वो बंदे की टॉप नॉच एक्टिंग। इसके अलावा मूवी की अगर एंडिंग की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि एंड में वो ये रास्ता लेने वाले हैं, ये चीज़ दिखाने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे एंडिंग को अच्छा तो नहीं बोल रहा, वो लोग आराम से इसे और अच्छा दिखा सकते थे, बट हाँ डेफिनेटली आपको वो सरप्राइज जरूर करके जाएगी और थोड़ी बहुत सेटिस्फाइंग भी लग सकती है। बाकी अगर खराब चीज़ों के ऊपर बात करनी हो तो पर्सनली मेरे को मूवी से कोई दिक्कत नहीं है। मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है और आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और सस्पेंस बना के रखती है कि एंड में वो बंदे के साथ क्या होने वाला है, बेसिकली आपको पकड़ के रखती है। सिर्फ एक चीज़ है कि मूवी स्पेनिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, यानी आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मूवी के अंदर बहुत कम ही डायलॉग है और ज़्यादातर पार्ट मूवी का साइलेंट ही है। तो बस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो स्कूल में पेंसिल चुराया करते थे। अगर आपको एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखनी है तो 2019 की 4X4 चेकआउट करो, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। चैनल पर नए आए हो और इसी तरह के और अच्छे मूवीज और सीरीज के रिकमेंडेशन वाली वीडियोस चाहिए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मेरा गोल है कि इस महीने की एंड में 1000 सब्सक्राइबर कराने, तो जल्दी से जल्दी करो, मेरे को पता है आप कर दोगे। बाकी चैनल की कोई रैंडम वीडियो देखनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।